नाजरीन हवातीनो हजरात, पढ़े लिखे लोग सड़कों पे खज्जल हो रहे हैं, लिफ्टें मांग रहे हैं। हुण राम आए ही कहो ना उस्ताद जी, तुसी क्यों नू कह रहे है, कहो ना हुण चंगा रहे हैं, मजे आई नी, कस लै रहे हैं, हुण चंगा रह गया, इहदा इलाज है। ओ ना यार, मैं क्या साढ़े पिंड दे यूट्यूबर ने, ओ यार यानी कि रिस्पेक्ट की थी मेरी, वाह वाह गाइस देख लो माशाल्लाह, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है मेरी गांव में यार, थोड़ी बहुत क्या बड़ी है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सागर अली और आप देख रहे हैं पी ई टी वी ऑफिशियल व्लॉग्स। और आज है जी हमारा इंटरव्यू और आपके लिए है जी हमारा तड़पते फड़कते व्लॉग में बहुत सारा वेलकम। आज जा रहे हैं जी इंटरव्यू के लिए, एक प्राइवेट फर्म है उसमें हमारा इंटरव्यू है और बाइक पे बैठे हुए हैं और जा रहे हैं जी। बाइक वाले से लिफ्ट लेने के बाद हम बैठे रिक्शे पे, सबसे बड़ी हमारी गलती भाई, गाड़ी पे बैठना था रिक्शे पे बैठ के, ये क्या हो गया जी गाइस, दूसरे रिक्शे पे बैठ गए, अभी सर्वस मोड से आगे जी डी एस चौक तक इंशाल्लाह, और जी डी एस चौक से आगे जनाब चैन चौक तक, चैन चौक से फिर आगे जनाब अपने मंजिल तक इंशाल्लाह। आज ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ क्योंकि बाइक हमारा भाई ले गए हैं, अदरवाइज सीधा हमने बाइक भी जाना था। गाइस रिक्शे से उतरे हैं और अभी जो हमारा प्लान है भाई, अगले रिक्शे से बैठना है, वो सामने पीछे जो आपको नज़र आ रहा है जी, उस साइड से बैठना है हमने, और उस साइड से बैठ के फिर शहीन चौक जाएंगे, शहीन चौक से फिर देखते हैं जी, वो मैरिज हॉल की साइड पे है, जाकर ढूंढना ही पड़ेगा। और मैरिज हॉल से पता नहीं पहले कह रहा था कि बाद में कह रहा था भाई कि बंदा उनका यानी कि सेटअप वहाँ है, तो लेट्स सी कि हमें कितनी देर लगती है उधर तक, इंशाल्लाह देखते हैं। तो पाकिस्तान में नौकरी के लिए आपको ख्वार होना पड़ेगा, ठीक है, तो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, बाइक वगैरह नहीं है हमारे पास, तो देखते हैं फिर क्या करते हैं, बाइक वालों ने भी हमारे साथ धोखा किया है और अल्लाह हैर करे फिर, तो लेट्स सी। अभी करेंगे सड़क क्रॉस, बहुत रश है देख सकते हैं आप, यह है पाकिस्तान की ट्रैफिक, ओए होए होए होए, अन्नी पई हुई है, अन्नी पई हुई है, कामयाबी के साथ क्रॉस हो गई सड़क और इसके बाद यहाँ से भी क्रॉस करेंगे। ये रक्षे लगे हुए हैं इस साइड पर, हाँ जाना यार, जाना जाना, चलो जी बैठ जाते हैं इधर। ओ जी मतलब उलट उलट देर तक मतलब हो गए जाए ना, हाँ चौक जाना यार। चलो जी नाजरीन बैठ तो गए हैं, आज जो खजल हुआरी हो रही है और पाकिस्तान के मज़े ले रहे हैं, तो लेट्स सी क्या बनता है। इफ यू लॉस योर जॉब फेस द खजल हुआरी, देखते हैं जी क्या बनता है। ये है जी हमारा क्या कहते हैं GTS चौक है गुजरात में, स्टाफ गला इस साइड पे और हम स्टाफ मिले हैं। अच्छा अब हुसैन मैरिज हॉल किस साइड पे है? हुसैन मैरिज हॉल वो शहीद चौक से थोड़ा आगे है। अच्छा उधर अब शहीद ट्रेडर्स है, उधर जाना है जरा, सही हो गया। तो जी गाइस हुसैन मैरिज हॉल है इस साइड पे है, शहीद चौक से आगे, और हुसैन मैरिज हॉल से भी आगे थोड़ा सा कह रहे हैं हमारा सेटअप है, तो भाई को हान भाई को मैंने कहा है कि भाई आपको साइड में ले जाओ, क्योंकि इधर से
उतरेंगे फिर कहाँ ढूंढेंगे भाई, फिर उतर के कहीं जाना पड़ेगा, पैदल जहाँ फिर रखा लेना पड़ेगा। तो भाई सही कहा है भाई, अगर तो ठीक है भाई, फिर पैदल चलना पड़ेगा उधर से, अगर ना हुआ तो देखते हैं फिर क्या बनता है। ये है जी शहीन चौक इस साइड पे, ये इधर से क्रॉस करके आए हैं, पीछे वो शहीन चौक है। ठीक है, अच्छा इस लेफ्ट साइड पे ही देखते हैं कि सही ट्रेडर किधर है, तो इसके लेफ्ट साइड पे ही आगे हो रहे हैं, देखता जा रहा हूँ। ये है जी वो हुसैन मैरिज हाल, ठीक है जी, अल हुसैन मैरिज हाल। ठीक है, तो इससे आगे कह रहे थे देख लेते हैं भाई, सही ट्रेडर किधर है। हाँ सही ट्रेडर, सही ट्रेडर क्या रहे हैं। तो ये गाइस अभी फिर वापस जा रहे हैं इधर से, इधर तक आए हैं और फिर वापस जा रहे हैं, क्योंकि भाई ने कहा था वहाँ से अल्पुसैन मैरिज हाल से आगे और शहीद चौक से पीछे। ये कुछ समझ नहीं आ रही थी, अल हुसैन से आगे और शहीद चौक से पीछे। अच्छा मेरा ख्याल है हुसैन जो है ना उससे मैरिज हाल ही है ना, इस मैरिज हाल के और शहीद चौक के दरमियान में है मेरा ख्याल है। तो हम आगे निकल आए हैं, डायरेक्शन अगर लाइव डायरेक्शन हो तो फिर पता चल जाता है इधर कहीं पे होगा। चाचा ने पता होगा, चाचू को पता होगा, चाचू को पता होगा, कितना पैसा हो गया लाला, कितना पैसा हो गया तो दे दो। नहीं कितना, लो जी जनाब अभी ये पीछे जो मेरे देख रहे हैं आप, ये उनका ही सेटअप है। ठीक है, और बात हो गई है मेरी ओनर से, कह रहे कि आप लेट हो गए हैं, आज सारे लड़के निकल गए हैं अपने अपने एरिया में, तो अभी एक भाई से मिलना है जो हमारे एरिया में चला गया है जी, ऑर्डर बुकर है, उसे मिलना है और उसके साथ ही अपना आज का दिन ना थोड़ा गुजारना। देखते हैं कि वो साइड पे बैठ के ना किसी वैगन वगैरह पे पुल पे उतरेंगे, उधर से उतर के जनाब फिर कुछ देखेंगे अगर कोई गाड़ी वगैरह मिल जाती है तो, अदरवाइज इधर तो बहुत ज़्यादा किराया वगैरह लग जाएगा और हमने मनी सेव करनी है क्योंकि पैसा है नहीं और मनी हमने सेव करनी है। तो देखते हैं आगे को गाड़ी वगैरह का मंदिर पास हो जाता है। ठीक है, पूछ रहे थे भाई आपके पास बाइक नहीं है, अभी शहीन चौक पे मौजूद हूँ, शहीन चौक पे देखेंगे भाई कि उस साइड से कोई गाड़ी देखते हैं, वो वैगन वगैरह मिल जाती है, वेल एंड गुड है, वैगन वगैरह पे बैठ के फिर अपने वो रिक्शे वगैरह पे बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले उस साइड पे जाकर देखते हैं कि उस साइड पे हमारे इन इलाकों में यानी कि लाला मेसवा की तरफ को गाड़ी जाती है, अगर कोई जाती है तो बैठ जाते हैं, शोर बहुत है इस साइड पे। अच्छा जी इस साइड पे जी ये दीना मंडी की गाड़ी लगी है, पिंडी की गाड़ी लगी है, सर पता नहीं दीना पिंडी कुछ भी ऐसा लगा हुआ है, और मैं देख रहा हूँ जो लाले मुझसे जाने वाली गाड़ी है उस पर बैठो ताकि रास्ते में उतार तो देंगे। तो ये भाई इधर से बुक करके जाएंगे, फुल करके जाएंगे,
और रास्ते की सवारी वगैरह बैठाते तो नहीं है, तो लेट्स सी पीछे देखते हैं शायद इस साइड पे हो। बाकी लग तो मुश्किल ही रहा। लो ये गाइस, आज है खज्जर खराबी का दिन और बंदे जा रहे हैं उल्टे इस साइड से। आप देख सकते हैं पीछे तो बंदे बाइक पर भाई उल्टे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस बंदे ने जनाब करके वहाँ का वादा और उतार दिया पीछे, क्योंकि उसको सवारियाँ मिल गई हैं आगे की उस तरफ। निकल तो पड़े हैं भाई नौकरी की तलाश में और सड़कों पर रुल रहे हैं। हैर होवे हैर होवे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, बस इधर ही यार, किधर घूमने बहुत शुक्रिया यार। अब हाँ व्लॉग है और सुनाए। आज बाइक नहीं था यार, दोनों घर मतलब बन गया और अर्जेंट जाना था। और नहीं यार जजाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक। आप गए थे जी आप लोग ड्यूटी पे? अच्छा अभी उठ के आए हैं, बड़ी बात है यार। अफसरी नौकरी है आपकी तो माशाल्लाह। चले अल्लाह खैर करे। गाइस बहुत सारे लोग मेरे इस व्लॉग को देख कर कहेंगे हूँ आराम आया ही, तो जो अल्लाह चाहता है ना इंसान के लिए वो बेहतर होता है, ठीक है। अगर पिछला मेरा जो था सेटअप, जो जॉब वगैरह थी वो चली गई, उसके लिए यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो करता है इंसान की किस्मत में अच्छा करता है। तो कहने का मकसद, बयान करने का मकसद ये है कि लोग भाई काफ़ी सारे लोग ना आप खुश भी होंगे और कहेंगे भाई हूँ आराम आया तू, बाकी मैं कहता हूँ बस थोड़ा सा वेट कर ले, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ना जो करना है इससे भी बेहतर करेगा, जो था ना मेरे पास उससे भी अच्छा मिलेगा मुझे। तो ये देख सकते हैं रोडों पे घूम रहे हैं, खजल हवारी हो रही है, फाइल हमारे हाथ में है और जॉब वगैरह जॉब वाले कह रहे थे भाई आज आपको मार्केट में भेजना था, ठीक है आप लेट आए हैं, लेट सिर्फ बाइक की वजह से लेट हो गए हूँ, अदरवाइज आज ड्यूटी का पहला दिन था। तो चले देखते हैं अल्लाह को क्या मंजूर है और मेरा जो है ना जी मंजिल कौन सी है, वो आगे एक पुल है, ठीक है, उसके नीचे से साथ वो रास्ता है, उधर जाना है मैंने। तो पैदल मार्च हो रहा है, तो जाके रابطہ करते हैं उस भाई से, अगर उस भाई तक पहुंचने का कोई ज़रिया बन गया, मतलब मोटरसाइकिल मिल गया मुझे घर से, यहाँ कोई लड़का हुआ वो मुझे उतार आएगा उस साइड पे, ठीक है उसके पास उतार आएगा, हमारे साथ ही गाँव है, तो वो जो ऑर्डर बुकर है ना वो पहुंच गया उधर, ठीक है, तो मैं भी उसके पास पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। यह है मेम्बर और सामने से देखिए हमें फुटपाथ से नीचे उतरना पड़ रहा है माशाल्लाह, रोंग वे आने वाले देखो जी फुटपाथ पे चढ़े हुए हैं, ये सारा फुटपाथ है और पैदल चलने वालों के लिए है, ठीक है। तो वो बंदा पीछे जो नज़र आ रहा है ना बाइक उस पर लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें जी ये है भिम्बर, ठीक है, ये सरकारी ज़मीन होती है और इस साइड पे जो आप देख रहे हैं ना फसलें, ठीक है, वो है जी सड़क, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट की मलकियत है, ठीक है। और ये जो फसलें देख रहे हैं ना ये आवाम की, ये बिम्बर उधर तक तो होती थी, वो सड़क तक होती थी, ठीक है। अभी माशाल्लाह पता नहीं कब्जा ग्रुप हैं ये लोग या फिर क्या है, इन्होंने अपने इधर फसल बीज ली है, वो जहाँ पे आपको गाड़ी नज़र आ रही है ना जा रही है वहाँ तक जनाब ये पिंबर का पानी था और वहाँ तक इसकी हद थी। हेलो हेलो नाजरीन, मेरा दिल है
कि बचाते हैं पैसे और लिफ्ट ले ले के आगे जाते हैं, क्या कहते हैं आप? अच्छा, इस साइड पे ये नज़र आ रहा है ना आपको, इस साइड से वो आगे तक ना सारा जितना भी है ना भाई मिंबर ही है मिंबर। ये जो बारिशी पानी होता है ना इनमें से जाता है। ठीक है, तो चलें मुझे रुकते हैं, मेरा दिल है, देखते हैं कोई आ ही जाए। लिफ्ट का तो पहली दफ़े ही काम कर रहा हूँ भाई, अदरवाइज आज तक मौका नहीं मिला किसी से लिफ्ट मांगने का, अपना ही था सब कुछ। बाकी अभी जो हो गए हैं हम कंगाल है। कंगाल समझ जाना, कंगाल है। सारे वक्त अल्लाह के होते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी वक्त अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह सब्र शुक्र के साथ गुजारेंगे। गाइस ट्राई ही कर रहे हैं आज, एक्सपेरिमेंट ही सही कि कोई बंदा बैठाता है हमें कि नहीं, तो देखते हैं अगर किसी ने बैठा लिया तो वेल एंड गुड, फिर हम रिक्शा या फिर गाड़ी पे ही जाएंगे। देखते हैं अगर किसी ने लिफ्ट दे दी इस बंदे को। क्या नज़ारे हैं यार, ग्रीनरी ग्रीनरी एवरीवेयर। नाज़रीन ख़वातीन हज़रात, पढ़े लिखे लोग सड़कों पे खजल हो रहे हैं, लिफ्टें मांग रहे हैं। हूँ राम आए ही कहो ना उस्ताद जी, तुसी क्यों नू कह रहे है, कहो ना हूँ चंगा रहे हैं, मजे आई नहीं दस लै रहे हैं, हूँ चंगा रह गया है, यह लाज है। लिफ्ट मिल गई हमें, आज एक्सपेरिमेंट ही था, वेदर एक्सपेरिमेंट कर रहा था यार, आज पता कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो जनाब लो जी गाइस, लिफ्ट ना हमारे गांव से कह लो कि तकरीबन कुछ फासले के पीछे ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो इस गांव का है। ठीक है, तो अभी लेट्स सी कि आगे कोई बंदा मिलता है तो उसके साथ भाई इंशाल्लाह अपने गांव तक लिफ्ट लेके जाएंगे। और आज मेरा ख्याल है हमारा ना खजल हवारी का दिन है, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। सुबह से देखते करेंगे स्टार्ट हम, हालत वायर हो गई है भाई, खा खा कर ना। दूसरी लिफ्ट भी भाई सानू अपनी मंजिल तक पहुंचा गई है। ये हमारा गांव है और गांव के कह लो कि मेन अड्डे पे हम उतरे हैं और अभी पैदल चलेंगे घर तक। थोड़ा सा ही रास्ता है, तकरीबन को 10-15 मिनट लग जाएंगे। लो जी नाज़रीन, तीसरी लिफ्ट आज हमने बड़ी सेविंग की है, कवेद आ गया और जनाब तीसरा भाई सक्सेसफुली हमारी को लिफ्ट है कामयाब हो गई और हम घर तक बिल्कुल फ्री। कैसा मज़ा आया? और शवेद सुना, ठीक ठाक है, फिट फाट है? अलहमदुल्ला। मैं और दीपी ने बात है, मैं नहीं मैं ला दिता। ओ ना यार, मैं क्या साढ़े पिंड दे यूट्यूबर ने, ओ यार यानी कि रिस्पेक्ट की थी मेरी। वाह रे वाह गाइस, देख लो माशाल्लाह थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है मेरी गांव में यार, थोड़ी बहुत के बड़ी है। अच्छा जी, चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर लिफ्ट। नाजरीन आज माशाल्लाह इस काम के लिए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हो गया, तो सुबह से हम बिजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। बात कुछ यूँ है कि एक दर बंद हो ना तो 100 दर खुल जाते हैं, वो सियाने कहते हैं। और काम भी ऐसा है, बात भी कुछ ऐसी है, एक रास्ता बंद होता है ना तो अल्लाह पाक आपके 100 रास्ते खोल देता है। तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से इंशाल्लाह हम ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह कमिंग सून जो अपना सेटअप है ना वो स्टार्ट कर लेंगे। जुमे को हमारी मीटिंग है चौधरी साहब से, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो विल मेक अवर टीम इंशाल्लाह, और जल्द ही हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट नए नए आने शुरू हो जाएंगे। ये हो रहा है जी माशाल्लाह मजर का काम माशाल्लाह, आज ना लैंटर पड़ रहा है। काफ़ी बड़ी छत लग रही है। मैं वेट कर रहा था कोई मोटरसाइकिल वाला मिल जाए, क्योंकि अभी मेरा प्लान था भाई, जो मैंने याद नहीं रहा, मेरे माइंड में नहीं रहा कि भाई मैंने
पासपोर्ट सबमिट करवाया हुआ था रिन्यू होने के लिए। सर्विस मोड पे उनका ऑफिस है, उधर से ही मैं लेके आ जाता है। आज बहुत बड़ी गलती हुई क्योंकि सुबह से फिर मैं ड्यूटी पे चला जाऊंगा, बन के आया हुआ है अभी रात ऑफिस में। मैं वेट कर रहा था सुबह से ना, तकरीबन मैं जब वापस आया हूँ ना, ठीक है, बाइक वाला आ जाए, बंदा आ जाए, अली आ जाए, रियान आ जाए, गलती बहुत बड़ी हुई है। रियान ने फिर कहीं जाना था कि मैंने उसे फ़ोन किया, भाई हाँ जी मुझे बाइक के लिए यार कहता है, मैंने जाना यार कहीं, ठीक है, उधर से रह गया। फिर मैंने सोचा चलो रजवान को कॉल की, रजवान कहता है मैं दवाई लेने आया हूँ तो आ जाता हूँ, ठीक है, और घंटे तक तो तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो यार शायद 4 बजे तक ओपन रहता, अभी देखा टाइम जो क्लोजिंग टाइम था जी ऑफिस का, पासपोर्ट ऑफिस का तकरीबन 2:30 से लेकर 2 बजे तक है, तो क्लोज हो गया। अभी यही ना हो भाई उठा के पासपोर्ट वापस भेज दें, फिर इस्लामाबाद से ना जाके ले के आना पड़े, मुश्किल ये बन जाएगी। धूप में बैठकर माल्टे खाने का अपना ही मज़ा है भाई, वो हाय बड़े मज़े की, और बड़े ना कह लो कि धूप ऐसी लग रही है दिल को और बॉडी को सुकून आ रहा है। और साथ में है ये माल्टे खाएंगे और नमक माल्टे, इंजॉय करो भाई। और जी अभी हुआ चाहता है टाइम वीडियो एडिट करने का, क्योंकि जो हमारा व्लॉग अभी चल रहा है ना, अभी पेंडिंग पे है, पार्ट 1 हमने अपलोड किया है, उसके बाद अभी पार्ट 2 रेडी कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। पार्ट 2 ये है जी, जलसा था हमारे एक हमारा यानी कि हमारे गांव में एक जलसा था, वो एडिट कर रहा हूँ और उसका पार्ट नंबर 2 है। और पार्ट नंबर 3 में जो फुल होगा ना, मतलब कि सारा मंदिर जलसे का जितना लास्ट में पार्ट बच गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपने लाजमी देखना है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी पहली वीडियोस में आपको शो होगा, क्योंकि ये व्लॉग ज़रा एंड में आएगा सबके। तो अगर आपने वो जलसे का, हमारे पेंड के जलसे का आपने व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से जाके मेरे इस कह लो कि चैनल पे जाकर आपने जलसा, मेरे पिंड का जलसा, मेरे पिंड में जलसा था टाइटल इसका, आप उसको जाके जल्दी से देखिए और इंजॉय करें यार। Yeah.